नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि सूट में आप जब कभी भी किसी का कमीज बनाते हैं तो आपका कमीज पीछे की तरफ जाता है। आपका सूट बन चुका है या बनाने वाले हैं या कटिंग करने वाले हैं, तो उनसे पहले भी या बाद में जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन हम पहले भी बात करेंगे और बनाने के बाद के बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका सूट, जब भी आपका किसी कस्टमर अगर आपको ये कहता है कि आपका सूट जो है वो बैक साइड में जा रहा है, जो ये गला होता है हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ये प्रॉब्लम काफी लेडीजों में आती है। इसमें एक रीजन ये भी होता है कि भई आप जब सूट बना रहे हैं तो आपका सूट यहाँ से काफी ज्यादा लूज हो, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप जब कटिंग करें तो यहाँ से कम आधा इंच की कटिंग जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप टेढ़ी ही करेंगे, कुछ कस्टमर के मतलब जैसे जो भी टेलर होते हैं कुछ इस तरह से भी करते हैं, बाकी आप सीधा भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा। वो उसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला दायरा यहाँ से यहाँ तक का जरूर लें। कोई भी कस्टमर है उस कस्टमर का यहाँ से यहाँ तक का आप मेजरमेंट जरूर लें। ये सबका अलग अलग होता है, किसी का 15 इंच होता है, किसी का 15.5 भी होता है, तो किसी का 12.5 भी होता है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद जो आपका मेजरमेंट आ रहा है प्लस आपका जो आधा इंच ऊपर से आप सिलाई में दबाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखते हुए अगर आपका 15 है ये वाला मेजरमेंट तो आप 15.5 पे निशान लगाएंगे यहां से यहां तक का। ये बात हुई आपका कटिंग के टाइम पे। लेकिन अगर आपका कमीज बना हुआ है, कोई कस्टमर आपके पास लेकर आता है और उन्हें आपको बोलता है कि मेरा कमीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? आपको और कुछ नहीं करना है। आपने अगर साइज लिया है, नहीं लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहां से यहां तक आप जो ये वाला अपना जो मुड्ढा काटते हैं हम यहां से इस ये यहां से इंच टेप रखेंगे, यहां से और यहां तक का जो हमारा मेजरमेंट होगा वो होगा 8.5 इंच का। 8.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे। देन उसके बाद जो आपकी उनकी कमर का साइज है, जैसे उनकी कमर है मान लीजिए 32, तो हम नॉर्मली 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आपका 32 है तो 34 हम तैयार करते ही हैं। आप क्या कीजिए कि यहां पर 32 +1, तो आप यहां से यहां पर 30 इंच की कमर में फिटिंग लगाएंगे जो आपकी फिटिंग को यहां से ज्यादा करवा जाएगा, जिस कारण आपकी जो यहां से गोलाई है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका जो सूट है, जो हमारी जो प्रॉब्लम है कि हमारा जो कमीज है वो पीछे की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो हमारा यहां से सूट दबने के बाद यहां से पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक हमारी 2 प्लेट डालते हैं, जिस कारण से सोचते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, ये तरीका ठीक है, बट आप कोशिश कीजिए कि यहां से प्लेट ना डालें, क्योंकि उसके बाद जो कमीज होता है जैसे ऑर्गेन्जा है, मशलीन है, ये कपड़े यहाँ से प्लेट डालने के बाद खराब हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो फिटिंग है यहाँ से यहाँ तक हो। लेकिन जब भी आप कटिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो जरूर लें। ये सबकी अलग अलग होती है, कमर की लेंथ जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, तो मैं आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।